हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइट। और गाइस फार्मिंग सिमुलेटर 19 के एक और मल्टीप्लेयर में आप सबका वेलकम है। अच्छा, मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यार मैं चलो ना ऐसे इस ट्रैक्टर में बैठूँगा, ऐसे ड्राइव करता हुआ फार्म पे लेके जाऊँगा और साथ ही साथ आपसे बातें करूँगा, लेकिन अभी यहाँ पे कब्ज़ा ग्रुप आ गया और कब्ज़ा ग्रुप जो है वो उसने मेरे ट्रैक्टर पर कब्ज़ा कर लिया। चलो मैं यहाँ पे ट्रॉली में बैठा हुआ हूँ, अब लेट्स सी। इसकी स्पीड देखो मेरी, ओह शिट। चलो आ जाओ। अच्छा जी गाइस, आज है ना मैं कमर को सरप्राइज देने वाला हूँ। कल बेसिकली हम लोग ये गेम खेल रहे थे और यहाँ पे ना एक ट्रैक्टर का मोड था, मतलब ट्रॉली जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। ज़्यादातर ना प्रॉब्लम ये है कि टिपर्स जो हैं वो इस गेम में वो जैक वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो जैक वाले ट्रेलर्स हैं ना उनकी प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ आपने कोई चीज़ अनलोड करनी है तो जैसे ही आप अनलोड करते हो ट्राला जैक लगता है, वो ऊपर उठ जाता है और ये ऊपर जाके छत से टकराता है, तो फिर वो नीचे ट्रैक्टर को जो है वो ऐसे दौरे पड़ रहे होते हैं, कभी वो इधर कोड़ रहा होता है कभी उधर कोड़ रहा होता है। तो इस वजह से मैंने जो ट्रेलर लिया था वो था जैक के बगैर, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी दीवारें काफ़ी ऊंची थी। तब कमर भी जो है वो काफ़ी दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि यार तुम कोई कस्टम ट्राला बनाओ। तो आज ना सिर्फ हम कस्टम ट्राला का मोड जो है वो टेस्ट करेंगे, कमर को दिखाऊंगा। कमर एक जगह रुक भी जाया करो प्लीज़, फॉर गॉड सेक। कम से कम जब हम बातें कर रहे होते हैं तब तो सामने रहा करो ना, लोगों की आँखें तरस जाती हैं तुम्हारा दीदार करने को। तो गाइज ना सिर्फ आज हमने जो है वो एक कस्टम ट्राले का मोड किया है बल्कि एक कस्टम ट्रैक्टर भी है। तो सबसे पहले तो मैं कमर को ट्रैक्टर दिखाता हूँ। ये है जी अलगाजी का फीएट 480, काफ़ी फेमस ट्रैक्टर है पाकिस्तान में। और इसको मैं कैबिन के साथ लूँ कमर या विदाउट कैबिन? ओके जी, कमर का कहना है कि विदाउट कैबिन इसका मतलब क्या है ना ज़्यादा पसंद है। तो जाओ भी चेक करो ट्रैक्टर, मुझे कहाँ पे फंसा गए हो। ये है जी हमारा ट्रैक्टर, यहाँ पे देखो भाई ये ना ट्रैक्टर थोड़ा सा सेकंड हैंड है तो मैं इसको फ्रेश ओसाका की बैटरी लगवा के लाया हूँ, वो चेक करो जरा। हाँ वो लिखा भी हुआ है कि बैटरी सिर्फ ओसाका की। देखो वैसे ग्रिल आ रही है आगे तो इतने अच्छे से नज़र नहीं आएगी, लेकिन ओसाका। और यहाँ पे मैंने सोचा यार थोड़ा सा पेंसिल उठा के मैं यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जो है वो बना दूँ। तो चेक करो कैसा है ये ट्रैक्टर, आवाज़ें इसकी निकल रही हैं। सेल्फी लो। अच्छा अभी इसके अंदर से बाहर निकलो, अभी जो नेक्स्ट चीज़ है ना मैं तुम्हें दिखाने लगा हूँ शायद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वाकई यार ये बहुत पुराना पुराना लग रहा है। अब वो यूज्ड है ना। अच्छा गाइज ये ट्रिपर है और इसको ना मैंने ये वाली कस्टमाइजेशन लगवाई है और ये बिल्कुल मतलब ना एक नज़र देखने से ऐसे लगता है कि जैसे वाकई टिपिकल पाकिस्तानी टिपर हो। फिलहाल इसकी कैपेसिटी को लेके मैं काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक रहा हूँ, दो कैपेसिटीज़ हैं 26,000 लीटर्स या फिर 20,000 लीटर्स, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू गो विद 26, ठीक है, क्योंकि हमारा फार्म अभी थोड़ा सा बड़ा है। तो लेट्स सी के कमर किधर गए, चेक करो। जबरदस्त है, कुछ थोड़ी सी अजीब जीब है लेकिन क्या मजा अजीब आएगा इसके है? साथ। इसकी ये जो हुक है आगे वाली कुछ थोड़ी सी अजीब है और यार कुछ देखो मेरी खुलती बात होती है सुनो, खास। मैं 3D मॉडल नहीं हूँ ना ही मुझे 3D मॉडल क्रिएट करना आता है, तो इस तरह इसकी चीज़ें जो है ना वो तो फिर ऐसे ही है कि हम खुद मॉडल करें। तो ये मैंने बड़ा ढूंढ के जो है वो एक ये थोड़ी बहुत मिलती हुई मुझे मिली तो ये मैंने उठा ली। अच्छा गाइज जो लोग हमें सरहद पार से देख रहे हैं, मतलब दूसरी कंट्री से देख रहे हैं जिनको उर्दू नहीं पढ़नी आती सिंपली, उनको बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है वो लोगों के नाम लिखे होते हैं, अय्या वैन गोपाला अय्या अन्न स्वामी मित्त स्वामी गैन गोपाला अय्या, वो जो धमाल फिल्म का सीन है ना वही है। तो लेकिन ये है कि यहाँ पे दादा का फिर बाप का फिर बेटे का फिर बेटे के बेटे का यहाँ पे नाम लिखे होते हैं, लेकिन व्हाट आई डिड हेयर मैंने यहाँ पे सिटीज़ के नाम लिखने, यहाँ पे मुल्तान लाहौर साहिवाल सियालकोट बहावलपुर, और अगर इस तरफ आए हम तो यहाँ पे लिया विहाड़ी चीचावतनी लैलपुर और झंग।
तो ये सारे पंजाब के खूबसूरत शहर हैं, सारे शहरों के नाम जो है मैंने लिख दिए हैं। तो कमर बताओ भाई, कैसे लगी हुई तुम्हें मेरी क्रिएशन? हाँ सच में ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। अच्छा चलो, शुक्र है तुम्हें अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो। चलो चलो जी, अब हार्वेस्टर जो है वो भाई हम ऑलरेडी वेस्ट से मंगवाते हैं, सारी हार्वेस्टरें जो है वो वेस्ट से ही आती हैं हमारी। वो भी बना हुआ है इधर लोकल वाले। हाँ हाँ? कोई लोकल मतलब कोई लोकल इधर यार, बना उस दिन रहा। हमारे यहाँ ना न्यू हॉलैंड की 8040 हार्वेस्टर खड़ी थी, तो नहीं वो वो तो मैं। नहीं हो रहा। हाँ और वैसे ही वो इंडिया में मेरे ख्याल से प्रीत श्रीत इस तरह की कोई चल जाएगी शायद, वो बना दो। चलो पाकिस्तान में तो लोकल नहीं है कोई। चलो मैं देखूंगा अभी नेक्स्ट टाइम, जो भी मैं मूड बनाऊंगा वो इंडिया की तरफ से होगा, इंडियन मूड होगा कोई, क्योंकि हम दो जो है वो रेगुलरली, पहले हमने मैसी 285 लेके आए थे, 385 385, और अभी हम लेके आए हैं जी पाकिस्तान का फियट और ये राला पाकिस्तान का। नेक्स्ट जो है वो हम इंडियन मूड बनाएंगे। अरे वैसे यहाँ हाँ पे तो मैंने करना अभी क्या है आज। आज मैं तब तो तुम्हें बताता हूँ, व्हील नंबर 44 में हमने है ना, सॉरी गाइस मेरी खांसी अभी तक जो है वो ठीक नहीं हुई। व्हील नंबर 45 में भई हमने करना है सनफ्लावर्स हार्वेस्ट करने, मुझे रास्ता दो भई यहाँ से। चलो आ जाओ, मैं हार्वेस्टर का लेके मतलब चलता क्या हूँ। ये इसमें रास्ता मन मतलब हाँ इस ट्रैक्टर ने मैंने कहा कौन सा रास्ता रोकना है तुम्हारा। सही है वाकई। अच्छा ये अब ट्राली है ना थोड़ी सी मैच करती है, पहले मतलब क्या है हाँ ना वो ऐसा था कि ट्रैक्टर बड़े होते थे हमारे और ट्राली जो है वो छोटी होती थी, तो अब ट्रैक्टर भी उतने की हैं और ट्राली का साइज़ भी उतना ही है। चलो सब्र करो, मैं वो हेडर तो कनेक्ट कर लूँ। वही तो इसके अंदर बैठ के आवाज हो रहा है क्या, हार्वेस्टर की आ रही है। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। तुमने तो ये ड्राइव तुम किया ही किधर नहीं। से ठोक रहे हो? मैंने किया है ड्राइव टेस्टिंग के दौरान, मैं करता रहा हूँ जब मूड बनाते हैं ना, तो फिर मैं तो भई उसको बार बार टेस्ट करता हूँ कि टेक्सचर सारे सही आ रहे हैं ये ना हो बाद में लाहौर सियालकोट की जगह सियालकोट लाहौर की जगह पहुँचा। 44 तक जाने के लिए हमें जो है वो भी इस रास्ते से जाना पड़ेगा। अबे यार मैंने इसको जिससे मैं ऊपर आ क्यों रहा नहीं हूँ उठाया? ओके यार, ये है ना हेडर लगा के हार्वेस्टर किया फर्स्ट पर्सन करना, तो मेरे ख्याल से सारा सारा मार्केट है, सारा वी ब्लॉक हुआ पड़ा होता है। फर्स्ट पर्सन क्यों करते हैं, बकवास हुई है। इसकी चलो तो फिर भाई, स्पीड बहुत कम है यार आसम ट्रैक्टर किसकी की। और ये चढ़ाई कितनी खाली नहीं चढ़ रहा मामा, ट्राली ट्राली के साथ 12 पे चढ़ रहा है चढ़ाई। तो भाई, मैं अभी रियलिस्टिक, लास्ट टाइम मैंने एक ट्रैक्टर के हार्वेस्टर ज़्यादा कर दी थी तो तुम्हें उस पर भी एतराज़ था, अब मैंने ओरिजिनल हॉर्स पावर रखी है, कर लेगा यार, कुछ नहीं होता, स्पीड स्लो होगी लेकिन कर लेगा, इट विल मैनेज। इसके स्पीड को 200-300 रखो। और 200 300 लेम्बोर्गिनी है क्या? यार ये बहुत स्लो है स्पीड, ये देखो 13-14 पे चल रहा है ये देखो, तुम ऐसा करो चेक फिर इट वो आउट। मैसी 285 ले लो, 385 चलो इसको। ये भी तो यूज करना ही है। तो फिर यार अब मैं क्या करूं? अच्छा और इसकी बैक स्पीड ज्यादा है फ्रंट से। मे बी यार, मुझे हाँ लगता है कोई गलती ना हो गई हो मेरे से बनाते वक्त ही। ओके जी गाइस, तो यहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है सनफ्लावर्स की, ठीक है। यहाँ पे ये हमने काफ़ी बड़ा फील्ड था तो ये इसके ऊपर हमने सनफ्लावर प्लांट कर रखे हैं, उम्मीद तो यही है कि यील्ड हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा क्योंकि फील्ड भी बड़ा है और प्रॉपरली फर्टिलाइज भी है, वीड शीड इसमें है ही नहीं। कमर क्या कर रहे हो? मैं फील्ड नंबर ढूंढ रहा था लेकिन अब मुझे मिल गया। तुम्हें कौन सा फील्ड नंबर ढूंढ रहे थे? अच्छा ढूंढ रहा था। मिल गया है। हाँ ये देखो मतलब कितना स्लो स्लो आ रहा है तुम्हारे पीछे देखो। मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे। पीछे अच्छा ठीक देखो है, तो भाई क्रॉप डिस्ट्रक्शन लगा हुआ है, क्या कर रहे हो? इसने कौन सा क्रॉप डैमेज करनी है देखो, एक थोड़ा था भी नहीं मतलब यार इसने तुम करा दी। ट्रैक्टर को छोड़ो, ट्राले के टायर चेक करो, वो तो बड़े हैं ना।
वो देखो तो सही, जरा सी मेरी मतलब है डैमेज। चलो ठीक है फिर। और तुम ऐसे जल्दी जल्दी में आने की यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे, जैसे आगे पता नहीं हार्वेस्टर फुल हुई पड़ी है, अभी 9% भी नहीं हुई। पता नहीं यार ये ये देख, सनफ्लावर को क्या मसला है, इतना थोड़ा यील्ड क्यों होता इसके है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना सही है। वो कसम से हार्वेस्टर के मुकाबले में ट्रैक्टर देख लो ऐसे ये हार्वेस्टर चलो ऐसे फाइव लगता है अभी बार, हड़प कर जाएगी ट्रैक्टर को सनफ्लावर के साथ। फाइव इसके बाहर निकालो। ये हार्वेस्टर ने अपने पाइप के साथ ये ट्रैक्टर को खींच लेना है अंदर ही। कितनी बर गई? 8% मतलब हार्वेस्टर जितनी है इसकी कस्टिंग। हार्वेस्टर की तो 17 है, 17,000। इसकी मेरे ख्याल से 26 है। चलो ये मैं बेसिकली एजेस यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, फिर हम यहाँ पे हेल लगा देंगे हेल्पर को और खुद हम लोग जो है वो अभी कल वाली। गाइज हमने बेसिकली आज गेम प्ले वहीं से स्टार्ट की है, खुद पर्सनली कोई इतना नहीं खेला, तो इसके बाद हमारी हार्वेस्टिंग जो है वो थोड़ी सी पड़ेगी। यार यहाँ पे देखो कुत्ता भौंकने की आवाज़ आ रही है। हाँ वाकई बाहर से आ रही नहीं 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 होगी। नहीं मरे, मेरा इतना साउंड प्रूफ रूम है, बाहर से नहीं आ रही, इधर से आ रही है। वो साउंड डाला अच्छा, होगा अभी इसने आतर ने। इसका वो मतलब देखो ये देखो, ये है कि वो काल वाले रहते हैं अभी शुगर बीट हाँ हार्वेस्ट तुम कर करने। लो तब तक, जब हार्वेस्टर बनने वाली होगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। ट्रैक्टर इधर ही छोड़ दियो, और अगर शुगर बीट तुम्हारी, हार्वेस्ट करूँ? हाँ और अगर तुम्हारी पहले भर गई तो मुझे बता देना, मैं ये ट्रैक्टर जो है वो ले आऊँगा। मैंने अभी तक वैसे भी कौन ड्राइव नहीं सा किया ये वाला। नया? तुम से लाते लाते वैसे बुरे हो जाओ। मैं भी शायद तुम्हें ड्राइव नहीं करना आया होगा या कोई और इश्यू होगा। कितनी स्पीड थी वैसे यार? 40 तो थी उसकी स्पीड। 40 कहाँ है यार, 12-13 पे चल रहा था बस। वो मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे ख्याल से इसके अंदर है ना प्रेशर पाइप मिसिंग है, तो वो कनेक्ट नहीं हुआ प्रेशर पाइप, तो प्रेशर पाइप नहीं कनेक्ट हुआ तो वो स्पीड लिमिटेड होती है। ये मैनुअल अटैच प्रॉब, मैनुअल अटैच मोड जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है इसके साथ, प्रॉब्लम कर रहा है। लगी समझ अब? तो ये मल्टीप्लेयर में मतलब क्या ना, ऐसे बड़े मूड एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। 60% हो गई हार्वेस्टर, तुम सिक्सटी आ जाओ, परसेंट तुम्हारे आते आते मर जाएगी। हाँ मैं बस ये एज क्लियर करके ना यहाँ पे हेल्पर वैसे यार करने लगा हूँ। और सुनाओ कमर, क्या करते रहे आज सारा दिन? एज यूजुअल मेरा जवाब है कि गेम बनाने का तुम इतने सही। एनोनमस बनने की कोशिश क्यों करते हो? बता दिया करो, आज मैंने ये काम किया, वो किया, फलाना किया, ढिमकाना किया। क्या काम किया यार, मैं सारा दिन कुछ करता ही नहीं। हार की पड़े रहते हो सारा दिन। चलो यार वैसे ये वाकई मेरी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा निकला ये वाला फील्ड अच्छा, एक होती है खत्ती, एक होता है खत्ता, ये है एक होता है कि खात ये खेत भी नहीं है, खात है अरे आप ऑलमोस्ट 90% हो गई है, जल्दी आ जाओ। ओहो यार बस तो भी तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि यार ये ना हो कि मैं हेल्पर हायर करके जाऊँ और फिर वो बाद में पीछे से ऐट में करता फिरे। मैं उसका पक्का जुगाड़ करके जा रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे पता है उसने ऐट में करनी ही है। ओके ये हो गया, अभी हम आता है अभी इसको यहाँ पे हेल्पर हायर करके। तो ये तो मेरे ख्याल से पूरा फील्ड भी हमने हार्वेस्ट कर लिया, ये हार्वेस्टर तो नहीं भरेगी, तो मैं इसको तुम्हारी तरफ ही लेके आ जाता हूँ। उम्मीद है वो फिर शुगर बीट्स का तुम्हें पता ही है ऑलरेडी यील्ड कितना ज़्यादा होता है। लो जी गाइस ये है जी ट्रैक्टर, और कमर कह रहा था कि इसकी स्पीड नहीं आ रही थी। आई डोंट नो कि वो किस बेस पे कह रहा था। यहाँ पे देखो मैं 30 के ऊपर जा रहा हूँ और ऑलमोस्ट 40 को टच करने वाला हूँ। वाकई नहीं, इसको बंदे को यार गेम खेलनी नहीं आती है, इसने हर जगह पे रोला ये डालना क्या होता है। मतलब है, स्पीड
स्पीड तो मैंने वो आगे अभी देखो मैं जो बिल्कुल रेस है वो ही 40 प्रेस करनी थी। तो की स्पीड पे जा रहा हूँ। मुझसे क्यों जा रहा था यार, ये तो काम खराब तुमसे कुछ भी नहीं होता। है। सही बात है। वो यार इसके अंदर तो वो है क्या? कनोला। हाँ तो टैंक का फोर साल लोड करोगे पानी। ओ नहीं यार अभी बस मैं आया। वो आवाज़ देखो इसकी कितनी ज़्यादा। अरे अच्छा मैं वो कह रहा था इंटीरियर कैमरा करें तो लाइट आवाज आती है। ओह शिट। हाँ तकरीबन। नहीं वो असल में मैं तुम्हें बताता हूँ इसकी लगी हुई है एफ ओ वी। हाई एफ ओ वी वो आथर में। वो जब जूम करोगे फिर वही आवाज़ आएगी। वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत ज़्यादा जूम इन जूम आउट होता है और एफ ओ वी हाई होती है तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ का डिफरेंस नज़र आता है। तो वैसे गाइज ये भी जैक वाली ट्राली लेकिन ये है कि चलो अब हमारे यहाँ तो चलती ही जैक वाली ट्राली है। अब मैं चलता हूँ जी कमर के पास। और अच्छा यार गाइज़ यहाँ पे आई एम सॉरी मैं बताना भूल गया। अक्सर आप लोग जो है वो रिक्वेस्ट करते हो कि जो मूड हम लगा रहे हैं वो हमें आपको कैसे मिलेगा। तो इस बार मैंने ये दोनों मूड्स जो है वो गूगल ड्राइव पे अपनी अपलोड कर दिए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर मैं गलती से लिंक डालना भूल गया तो आप लोग मुझे याद ज़रूर ज़रूर दिला दीजिएगा। आपको जो है वो ये मूड डाउनलोड करने के लिए जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो वेल डन। हाँ तो ये मतलब कि ना फिर और पर्टिकुलरली फिर कुछ लोग पाकिस्तान से होते हैं वो उनका डेफिनेटली दिल करता है तो कुछ वो भी लोकल मूड्स ट्राई करें। तो मैंने इस बार सोचा कि यार सबको जो है वो कुछ किया जाए। मेरे अकेले मूड बनाने का क्या फ़ायदा। और वैसे भी मैं जो खुद मूड बनाता हूँ वो तो ऑब्वियसली मेरा काम बनता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसे कि ये दोनों अभी मेरे मूड बनाए सो आई विल बी हैप्पी कि अगर कोई इनको खेल के इंजॉय करेगा। और अगर आप मूड डाउनलोड करते हो खेलते हो कोई प्रॉब्लम या कोई सजेशंस हो तो वो भी आप मेरे साथ ईमेल पे या यूट्यूब की जो है वो हाँ भाई कमेंट सेक्शन में शेयर कर ये कह रहे थे सकते पीढ़ी से आए हो। हो। ये तुम्हारी आधी हार्वेस्टर भी नहीं इसने एम्प्टी करवानी। ऐसे ही है यार फिर लोकल मूड्स का अपना भी उनकी अपनी एक खूबसूरती और अपने ड्रॉबैक्स हैं। ये मैं अभी ओह बस शिट यार ये ट्रैक्टर अभी बस हो गई है इसकी। फोर्टी वो उठ रहा है सिक्सटी उठ रहा है बस कसम से ऊपर। वो देखो उठ वाकई रहा है। ये देख लो थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। अभी देखना मैं रिवर्स करूँगा तो ज़्यादा उठेगा। और ये देखो उठ रहा है ना। रहा ये मुड़ ही नहीं रहा ये तो। ओ यार वो देखो एक टायर घूम रहा है एक घूम ही नहीं रहा। ओ यार ये तो अभी मुड़ ही नहीं रहा। बस हो गई भी इस ट्रैक्टर टाइटल में लिखना बेचारा थिएट गया। की। बाकी हाल तो इसका बेचारे वाला ही है। यार मैं अभी इसको मोड़ूं कैसे ये तो मुड़ ही नहीं रहा। ओ ये टोचन ना हूँ टोचन डाल के इसे टूक ले वो बस अटक गया है यहाँ पे फंस गया भाई। हाँ मिलाओ टोचन रुको मैं आता हूँ अभी देख जल्दी लाओ। और तुम इसे हेल्पर लगाओ। मैं खुद हार्वेस्ट करता हूँ तब तक। गुड आइडिया। अच्छा वो चेन कहाँ है? वो उधर ही पड़ी हुई है वो तो जिधर है नहीं मुझे ना। देख है वो तो नहीं मुझे भी देख। यार वो ना एक मिनट अभी मैं बताता हूँ तुम्हें। जहाँ पे हम गाड़ियाँ बाइक करते हैं वहाँ पे आई होगी। ओके जी गाइस तो यहाँ पे हमारी हुक जो है वो सम हाउ काम नहीं कर रही थी तो अभी हमने न्यू हुक मतलब न्यू चेन जो है वो बाय की है। तो अब जो है वो हुक शायद वापस आ जाए। अभी कमर जा रहा है हुक लेने चेन लेने के लिए तो जितनी देर में इसने आना है उम्मीद है हम ये फील्ड हार्वेस्ट कर लेंगे। या मे एक बी दो अब गेम प्ले भी बन जाएंगे हैं। एक दो और गेम प्ले बन जाएंगे हाँ ये भी हो सकता है भाई। असल में है फिर ना बाद में मुझे बहुत अच्छा टाइटल आएगा कमर वापस आ गया भाई। हाँ कमर इज बैक। काफ़ी वैसे है ना ये हार्वेस्टर काफ़ी अच्छी है कंपेयर टू पोटैटोज हार्वेस्टर। उस दिन मैं ना एक्स यू एफ पे वीडियोस अरे जब टक्कर बना। ना। और ये तो आई वो
उन जो आपने गंद डाला हुआ है वहाँ उनके दरमियान। तो यार वो हाथ से पकड़ लो ना, वो निकल आती है बाहर को। अच्छा ऐसा भी है। हाथ से पकड़ोगे तो उठाई जाएगी, इतनी हैवी नहीं है वो। क्या बना, उठा ली? बस तुम कुछ 1 घंटा वेट कर लो, कुछ हो जाएगा काम। हो जी गाइस, होपफुली कमर जो है वो आ ही जाएगा यहाँ पे। और यार वैसे कमर एक बात बताओ, स्टीयरिंग व्हील के साथ तो लोग मेरे ख्याल से फर्स्ट पर्सन कैमरा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लाइव जो है वो एक चीज़ देखने को मिल रही होती है। सही, यही तो एंटरटेनमेंट है स्टीयरिंग व्हील की, कि आपको दो नहीं, दो हैं। ये क्या बात है भी? वो पता बकवास इंटीरियर कैमरा, ना उसमें को नजर आता है कोई चीज, नहीं अभी ये ना पता देखो, लगता है कि ये ट्रैकर इंटीरियर कौन कैमरा सा है है। तो वो सारा कुछ तो नज़र हाँ आ रहा है तकरीबन। मतलब क्या पता लगता है भी कौन सी बंदा ड्राइव कर रहा है। यार बंदा बार बार दिखाता रहे ये चीज़ मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो लाजमी तो अच्छा नहीं। ले, वो तुमने गेम प्ले देखे 4K 4K के इंटीरियर कैमरा करते हैं वो तो भाई? ये इसलिए डिस्कनेक्ट ही हो रही यार। रेड वाली साइड अपनी तरफ करो और ये मैनुअल कनेक्ट होगी। हो गई है अभी नहीं हो कनेक्ट? रही, नहीं यार कमर प्लीज़ यार, हो जाएगी कनेक्ट। वो रेड साइड ट्रैक्टर की तरफ करो, ट्रैक्टर हाँ को मुझे थोड़ा सा लग आगे पीछे कर लो। लो जी गाइस, जैसे तैसे करके ना हमने यहाँ पे हुक लगा ली है, तो अब यहाँ पे हम इस ट्रैक्टर को जो है वो रेस्क्यू कर सकते हैं फाइनली। तो भाई इस तरह के मसले मसाइल जो है वो फिर अक्सर ही आते रहते हैं। चलो भी कमर जल्दी करो, भी कनेक्ट करो तुम। अब हमें इस ट्रैक्टर को वाइट, रेस्क्यू करने से कोई डर हो सकता है। यार ये हमने ना गलत बेसिकली लगा दी है। इसकी देखो चीखे गए तो निकाल देंगे, ये देखो। लो जी अब हो गया ना काम। चलो अभी मैं तुम्हें फील्ड से बाहर लेके चले जाता हूँ। वही वे कसम से, ये तो इस ट्रैक्टर की भी नानी। क्या कर रहे हो, उल्टी साइड में क्यों सुनो, मोड़ रहे हो? ओ गलती से मुड़ गया यार। चलो मैं तुम्हें सड़क पे छोड़ जाता हूँ, बाकी भाई तुम्हारा काम, तुम जानो। ये ओ वाकई देखो यार, ये क्या मतलब? इस ट्रैक्टर की मतलब बस बस हो रही है। लो जी गाइस ये हाल है भैया आज का। ट्रैक्टर हमने रेस्क्यू तो कर लिया है, लेकिन ये मतलब इस ट्रैक्टर की भी एक दफ़ा जो है वो यहाँ पे बस बस हो रही है। तो जी एनी वेज, वी आर रेस्क्यूइंग आवर ब्रांड न्यू ट्रैक्टर जो हमने अभी अभी जो है वो आज की गेम प्ले में लिया था, और आज की गेम प्ले में इसको रेस्क्यू करना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे इसके लिए यहाँ पर थोड़े से लाइट वेट किस्म के टास्क ढूँढें, या अगर टास्क ना लाइट वेट ढूँढ सके तो इसको थोड़ा सा हैवी वेट बना दें। क्यों कमर? थोड़ा सा अभी कर लो। डाल देता हूँ भाई, मुझे क्या है। मैंने 1 चलाया, तुम्हारे तो फिर भी और दो मैं हैजर्ड लाइट्स भी चला लेता हूँ। और सुनाओ, ये देखो चला लेता हूँ। तुम ये चला के देखो। हाँ तुम्हें चलाने ही नहीं आएंगे बच्चे। वो हैजर्ड लाइट्स होती कौन? ये इशारे जो बल रहे हैं पीछे दोनों साइड के। ये देखो मैंने बड़ी जला ली। नहीं, तुम ये इशारे चला के दिखाओ जरा। नहीं, तुम्हें चलाने ही नहीं आते। ओ शेम शेम, कमर को इशारे नहीं चलाने आते, शेम शेम। ओ यार तुम्हारे करेक्टर की बाजू देखो जैसे टूटी हुई होती है। क्या है भाई यार? ओ उठ देखो गया। क्या ओए, पढ़ लो भाई, यहाँ उठ पे गया। स्क्रीन छोड़ लो, इसको रिवर्स करो और उठेगा। यहाँ पे स्क्रीन छोड़ लो मैंने। रिवर्स करो और उठेगा। बात
ओए उठ गया उठ गया। ओ हो, जल्दी से पर लो। हैवी 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 हैवी। बहुत हार्ड बहुत हार्ड। ओ पूछो भाई, ये पूछो। तुम इसको लेके कैसे चलोगे? पर सवाल ये, मैं आने से लेके चलूंगा, खुद ही जाएगा जहां भी जाना होगा। अच्छा भाई मुड़े ही रहा यार, मैं क्या करूँ। तुम इसके साथ झूले ले रहे हो? अरे अरे रुक, ओ ओ कसम ले, से आउट ऑफ कंट्रोल है यार ये बिल्कुल। वो कमर में ले आ गया जंगलों ने। ये आउट ऑफ कंट्रोल है ना। चलो रिवर्स करके आगे लेके आओ। ओहो चलो बस छोड़ दो इसको यहीं पे। और इसके ऊपर अभी जुल्म मत कर, नहीं जाएगा ये ये। तमाशा देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। ओ जी गाइस, ये था हमारा आज का गेम प्ले। और न्यू ट्रैक्टर जो है वो ऑब्वियसली इसने काफ़ी ज़्यादा तंग किया हमें, तो इसको हम थोड़ा सा हैवी वेट बनाएंगे, ठीक है, अगले गेम प्ले में। लेकिन आज का जो है वो गेम प्ले अपने टाइम फ्रेम को जो है पहुँच चुके हैं, और कमर के बाजू जो हैं वो भी अपने टाइम फ्रेम को पहुँच चुके हैं। वाकई यार कसम से देखो जैसे टुंडे टुंडे हाथ होते हैं इसके। जैसे इस तरह का थप्पड़ बजा हो ना बंदे के। ओके जी गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।